मेरा नाम अरुण देसाई है, मैं अंधेरी में रहता हूँ। मैं मुंबई से यहाँ अहमदाबाद से डॉक्टर प्रवीण सुराना के पास आया हूँ। मेरे विशेष को कान के दिखाने, थोड़ा जोर से बोलो सर, मेरे विशेष को कान के दिखाने के लिए आया हूँ। एक्चुअली 5-6 साल पहले मेरे विशेष को, हमें पहले तो पता ही नहीं चला था कान में तकलीफ, क्योंकि मैं अगर कुछ बोलता था तो उसको सुनाई नहीं पड़ती थी, या तो कुछ सुन लेती थी तो कुछ उल्टा ही सुन लेती थी, तो काफ़ी हमारी फिर कुछ बहस हो जाती थी तो क्या क्या हो गया। फिर समझ में आया कि इनका कान के प्रॉब्लम है, तो फिर उसने एक बार अमृत ने फिर उसने खुद ने भी चेक किया, अगर कि भाई मैं इस तरफ पे मुड़ी रखता हूँ राइट साइड तो सुन सकती हूँ, लेफ्ट साइड पे सुनते हो तो कम सुनती हूँ, तो फिर समझ में आया कि कुछ काम नहीं थी। हम लोग ने डॉक्टर के पास तो ऑडियोग्राफी सब करवाया, तो उसने क्या बोला है, ये एक कान में 60% है, दूसरे कान में 40% सुना पड़ता है। उन्होंने ये वही जवाब दिया कि इसके लिए अभी आपको मशीन लगाना पड़ेगा, तो मशीन की कॉस्ट भी जाती है, 25-30 हज़ार रुपये चलती है। तो फिर भी हम लोग पहले चलो भाई एक कान में लगा के देखते हैं। देखने के बाद फिर तो समझ में आया कि 2-3 साल के आवश्यक के बाद फिर से वापस मशीन में कुछ प्रॉब्लम आने लगा। फिर डॉक्टर के वापस हम लोग मशीन दिखाने गए तो बोलते अभी ये मशीन की कैपेसिटी कम हो गई है, सिर्फ और पावर वाला मैच का लगाना पड़ेगा, तो और 20-25 हज़ार खर्चा। तो मैं सोचा अभी भाई अभी तो एक ही कान में मैंने मशीन लगाया, दूसरे कान में तो लगाया नहीं। तो बात करते फिर कुछ वो लोग ने कुछ सेटिंग करके कुछ ना कुछ करके बोलता अभी एक काम कर, ये जो कान का मशीन है वो हम निकाल के दूसरे काम में लगा देंगे, उसका उसे सेटिंग करके वो काम में चलेगा, आपका दो मशीन हो जाएगा, और कुछ कॉस्ट में इधर उधर एडजस्टमेंट करके फिर हमने दोनों काम किया। फिर भी क्या हो गया, मशीन महंगा पड़ रहा है, हर दो इनकी लाइफ है 2-3 साल मैक्सिमम, और 3 साल के बाद फिर खर्चा कर, फिर उसमें वो सेट तो मशीन का कुछ अलग अलग चैनल का आते हैं तो उसके कॉस्ट भी बढ़ती है। उसके बाद मैंने फिर बीच में 2-3 साल पहले मैंने कुछ ऐड पढ़ा था समाचार में, पढ़ा था कि ऐसा है, फिर काफ़ी सोचा था जाके दिखावे क्या कर, तो एक तो पहली बात तो क्या है पढ़ के हम लोग विश्वास नहीं आती, इसलिए मुझे कोई मतलब ऐसा कोई पहचान चाहिए था कि वो जाके तपास करे क्या हो। मैंने अपने लड़के को भेजा क्योंकि वो ऑफिस के काम के लिए आता है, वो आके सब कुछ देख के गए बता के गए, उसके बाद मुझे लगा कि अभी हमें भी दिखाना जरूरत है, और उसके बाद हम लोग प्लानिंग करके मुंबई से आए और ट्रीटमेंट चालू किया टेस्ट, और उस पहले तो टेस्ट किया था वो तो टेस्ट करके ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट के बाद कुछ फर्क नहीं लग फर्क लगने लगा, क्योंकि जब मैं आवाज़ करता तो सुनाई नहीं पड़ती थी उसको, एक रूम में से दूसरे रूम में से यहाँ मैंने सब कुछ ट्राई करके देखा तो उनको अभी मेरी आवाज़ सुनाई पड़ती। सर इस वीडियो को देखने वाले लोगों के लिए कोई संदेश? संदेश है कि आप भी इस ट्रीटमेंट करवाए कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, तो इस पर कोशिश करना चाहिए, उसमें कोई उसमें ये नहीं है। मैं वही सोच के आया कि भाई मैं मशीन के पीछे खर्चा करता हूँ 20-25-30-35 हज़ार, कम से कम ये भी तो करके देखूँ, तो इसलिए मैं फिर करके देख रहा हूँ, अगर उसमें फ़र्क पड़ गया 60-70-80% भी फर्क पड़ गया तो बहुत कुछ हो गया। मैडम क्या नाम है आपका? दक्षा देसाई। दक्षा जी आपको कैसा लग रहा है? अभी मुझे बिना मशीन के अच्छा सुनाई दे रहा है, पहले से अच्छा सुनाई दे रहा है। ठीक है मैडम, तो अभी ये ट्रीटमेंट करके ऐसा लग रहा है कि चलो मशीन का कॉस्टली महंगा पड़ जाता है, हर 2-3 साल मुझे 25-50 हज़ार हम लोग तो रिटायर उसकी बैटरी महंगी पहले 7 पहले वाली जो मशीन में 10 दिन चलती थी, अभी दूसरी पावर वाली जल्दी खत्म हो मशीन में क्या है कुछ कचरा आ जाता है तो मशीन बन जाता है, उसके लिए भी वापस सफाई करो ये करो वापस लेके जाओ। ठीक है सर, थैंक यू सो वेरी मच, आप लोग यहाँ आए हमारे नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट पे विश्वास किया और आपने देखा कि दो मतलब 2 घंटे में जो इनकी पूरी लाइफ बदल गई, क्योंकि बिना मशीन के आराम से बात कर लेती है, मशीन पहनने की कोई जरूरत नहीं है इनको। ठीक है, धन्यवाद सर।